नहीं जी, हम वीडियो नहीं बना सकते, प्राइवेसी का वाला है। आपके साथ मैनेजर्स हैं आपके, वो भी बोल रहे हैं जी इनका तो कांटेक्ट हो चुका है। सौरभ जोशी अगर चमका है तो सौरभ जोशी के खुद की काबिलियत पर, खुद के टैलेंट पर। ऑडियंस तुमको बताएगी, ये ऑडियंस वीडियो बनाकर बताएगी अपने चैनल पर, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये मैं दिल में दिल से आवाज निकाल रही है। एक बंदा 850 किलोमीटर बाइक राइड करके आज तक पहुंचता है, आपका सपोर्ट करता हूँ यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, एक हफ्ते से आप लोग देख रहे हैं कि सौरभ जोशी ब्लॉग्स वर्सेस टेक्स चैंपियन सपोर्ट के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। वैसे तो मैं भी इस पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगा जब गुरु के सम्मान की बात आए तो हमें भी आगे आना चाहिए। 850 किलोमीटर बाइक से वो इतनी दूर यहाँ पर आए, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता था कम से कम उनसे मिलते, एटलीस्ट मिलते, बात करते। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट, वीडियो की बात तो थी, 2 मिनट आप उनके चैनल पे आ जाते, वीडियो बना लेते, क्या हो जाता यार। उनके भी 4 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं, वो तो 3.5 लाख ही बोल रहे थे, बल्कि अब 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है, आप आज मिलियन में खेल रहे हैं, कल आप भी 0 से ही तो स्टार्टिंग हुई थी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो भी मिलियन में जाएंगे। अब इसमें प्राइवेसी की बात आ गई, बोला गया प्राइवेसी की बात है, हम वीडियो पे नहीं आ सकते। भाई किस बात की प्राइवेसी, प्राइवेसी किस बात की, जब आप इंटरनेट पे आ चुके हैं, यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो किस बात की प्राइवेसी यार। आप वीडियो बना रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, आप डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं, अपना घर दिखा रहे हैं, घर के अंदर की चीज़ें दिखा रहे हैं, फिर प्राइवेसी किस बात की है यार। वो तो वहाँ पर पिथौरागढ़ जा रखे थे, धारचूला, वहाँ पर आपसे बोला 2 मिनट के लिए आने के लिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं बोला, ऑडियंस के लिए बोला यार। वो ऑडियंस तो आपको भी सुनती, सिर्फ वो टेक चैंपियन सपोर्ट सर को नहीं सुनती, वो आपको भी सुनती, आपको भी देखती, आपके बारे में लोगों को और पता चलता। ठीक है, हम मानते हैं आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप बड़े हैं, अच्छे हैं, तभी लोग देख रहे हैं, आपके फॉलोअर हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं रखी प्राइवेसी का हवाला देकर, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आपने इंटरव्यू दिया, क्यों दिया भाई, वहाँ पे प्राइवेसी का हवाला नहीं था आपका। आपने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिया, देख लीजिए ये न्यूज़ चैनल पे आपने, इस प्रकार का इंटरव्यू किसी ने आज तक शूट नहीं किया है। आपने इंटरव्यू दिया तो दिया ना, आपके अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आपके आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, मतलब ये अगर पब्लिक पर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। आप ये वीडियो भी क्लिप देखिए, आप उसके बाद आप लोग खुद समझिए। किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं कि आप के आशीर्वाद की वजह से, आपके प्यार की वजह से सौरभ जोशी नहीं चमका है। सौरभ जोशी अगर चमका है तो सौरभ जोशी के खुद की काबिलियत पर, खुद के टैलेंट पर। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सौरभ जोशी अपनी दम पे आज जो कुछ है वो अपनी दम पे है। भाई कैसे यार, ऑडियंस है, सबका प्यार है, सपोर्ट है, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तभी तो आप चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं यार, कोई अपने आप से चल जाता है, कोई अपने आप से फेमस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सौरभ जोशी आप लोगों की वजह से नहीं चल रहे हैं, ऑडियंस की वजह से नहीं चल रहे हैं, ये सब उनका अपने खुद का किया हुआ है, इस वजह से चल रहे हैं, ये चीज़ गलत है। एक बंदा 850 किलोमीटर बाइक राइड करके आज तक पहुंचता है, शाम को आपसे मिलता है, आपने शाम में भी उनको भाव नहीं दिया, फिर सुबह जब आप होटल चेकआउट करके जा रहे थे तब आपसे बात करी उन्होंने कि सिर्फ 1 मिनट आप आ जाइए वीडियो पे, और फिर वो अपनी मर्जी से वहाँ पर नहीं गए थे यार। उन्होंने एक ऑडियंस पोल की थी यूट्यूब पे, 3-4 लोग उन्होंने शायद दिए थे, उसमें से 81% लोगों ने आपका सपोर्ट किया, आपकी आपके फेवर में बोला कि आपके साथ वीडियो बनाए वो, तो उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया, पहुँचे आप तक। आपका क्या फ़र्ज़ बनता था यार, इतने बड़े आप बड़े यूट्यूबर हैं तो थोड़ा सा बड़े दिल वाले भी तो बने, थोड़ा लोगों की बात तो रखें यार। आप क्या बताते हैं लोगों को, आप अपनी ऑडियंस को क्या बोलते हैं, कभी आपने अपनी ऑडियंस से बोला कि यार आप लोग भी वीडियो बनाइए, आप लोग भी व्लॉग बनाइए, आप लोग भी फेमस होइए मेरे तरह से, कभी नहीं यार। 2 मिनट के लिए आ जाते अगर उस वीडियो में, तो आप अपने बारे में और थोड़ा सा अच्छा बताते तो उनकी ऑडियंस तक वो चीज़ें जाती, उससे और स्प्रेड होती।
चीज़ें और स्प्रेड होती, लेकिन वो आपने नहीं किया। आपने सोचा कि अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर आ रखा है बंदा, इसके वीडियो में आ जाएंगे तो इसके फॉलोअर बढ़ जाएंगे। यार फॉलोअर तो उनके बढ़ ही रहे हैं, उनका ऑलरेडी एक चैनल था, वो 1 मिलियंस में चैनल था उनका, 20-25 लाख सब्सक्राइबर थे, वो चैनल किसी तरह से डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया और पिछले एक साल में आज 4.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो छोटा मोटा अचीवमेंट तो नहीं है। सभी लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। अतिथि देवो भवा, यार वो एक अतिथि की तरह थे यार। आप उत्तराखंड से हैं तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, आपको कम एटलीस्ट उनको बिठा के बात करनी चाहिए। आप बस दूर से हाथ जोड़ के, नहीं जी हम वीडियो नहीं बना सकते, प्राइवेसी का हवाला है, आपके साथ मैनेजर्स हैं आपके, वो भी बोल रहे हैं जी इनका तो कॉन्टेक्ट हो चुका है, अब इनका कॉन्टेक्ट हो चुका है, अब जैसा कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा वैसा ही ये बोलेंगे। अच्छा जी, वाह कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। प्राइवेसी के बारे में, प्राइवेसी क्या है यार, आप यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, इंटरनेट पे हैं, इसमें प्राइवेसी कहाँ से आ गई। अब वो आपके घर में भी नहीं आए थे कि घर पे हूँ आपके, बाहर किसी होटल में, आपको 2 मिनट के लिए आना था। और आप तो आपका जिसके साथ मन होता है बनाते हैं, वो ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन भाई वो आपके सपोर्टर थे, आपके सब्सक्राइबर थे, गुरु थे, सब कुछ थे यार, फिर वो वहाँ पर पहुँचे ना, तो आपको एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप उन सब्सक्राइबर्स को ही भूल गए यार, जिनकी वजह से आपके इतने इतने व्यूज़ बढ़ रहे हैं। रही बात सब्सक्राइबर बढ़ाने की, आप नहीं जाते भाई, आप भी तो जाते हैं। अभी आप बॉम्बे गए भारती जी से मिलने, ये देखिए वो भी क्या बोल रही हैं, या उनके पति देव क्या बोल रहे हैं। थैंक यू गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो आप भी वहाँ पे गए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो गए किस लिए गए। ठीक है आप बड़े हो गए, आप ना थोड़ा सा बड़प्पन भी तो दिखाओ। तो गुरुजी जैसे आप बाइक राइड करके 850 किलोमीटर आप इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे, या इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ पर आए सौरभ जोशी से मिलने, तो मैं यहाँ पे 850 किलोमीटर दूर आपका सपोर्ट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि आप सही हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है, ठीक है, कोई कुछ भी सोचता है, कोई कुछ सोचता है। मेरी ओपिनियन या मेरी ये राय अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में तो ऑफकोर्स नए ही होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।